हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेकअप बेस। तो यानी कि मेकअप बेस मैं आपको दूंगी नहीं, लेकिन हाँ डेफिनेटली आपको मैं जानकारी दूंगी मेकअप बेस के बारे में। तो मेकअप बेस की जब भी बात आती है तो सबसे पहले लोग कहते हैं कि नहीं, सीरम इंपॉर्टेंट है। ये सब कॉज सीरम बहुत ही जरूरी है। मैं आपको बता दूँ सीरम का मतलब होता क्या है। सी मीन्स क्लिंजिंग होता है, टी फॉर टोनिंग एंड एम फॉर मॉइस्चराइजिंग। तो ये तो इंपॉर्टेंट होता है हमारे चेहरे को क्लीन करने के लिए, टोनिंग करने के लिए एंड एक नमी यानी हाइड्रेट करने के लिए। मॉइस्चराइजर की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होती है हमारे मेकअप में। बट अगर आप मेकअप बेस नहीं लगाते हैं तो मेकअप पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर चेहरे को एक सही बेसिक ना मिले तो उसके ऊपर आप किसी तरह की कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मेकअप बेस के बारे में। लेकिन अब मेकअप बेस होता क्या है? तो मेकअप बेस जो है फाउंडेशन के रूप में है, या फिर आप डर्माकोल आजकल मार्केट में बहुत अवेलेबल है, वो भी है, काफ़ी ट्रेंड चला हुआ डर्माकोल का। वो थोड़ा सा हार्ड एंड थिक होता है। एनीवेज फाउंडेशन या डर्माकोल के बहुत सारे सेट्स है मार्केट में। बट इसके अलावा जो एक मेकअप बेस है उसके बारे में मैं आज जानकारी दूंगी। अब आप कहेंगे इसके अलावा और क्या है मार्केट में? बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है फ्रेंड्स, बट कुछ चीज़ ऐसी है जो हमेशा हाई लेवल पर रहती है, जिसकी जो डिमांड होती है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है, जो कि बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट होती है हमारे फेस के लिए, हमारे मेकअप के लिए। तो इनमें से एक चीज़ मैं आज लेकर आई हूँ, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या है और मैं कौन सी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि इतना इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे फेस के बारे में और हमारे मेकअप के लिए। चलिए एक ऐसा बेस है जो कि बहुत ही लाइट है। तो खैर मैं अब बता ही देती हूँ, ये लोटस का जो है ये म्यूस है। म्यूस एक ऐसा बेस है जिसके ऊपर आप मेकअप भी कर सकते हैं, विदाउट मेकअप भी आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप फाउंडेशन लगाते हैं तो आपको ऊपर से कुछ ना कुछ लगाने की जरूरत पड़ती है। आप इसके साथ अगर आप कॉम्पैक्ट नहीं भी लगाते हैं तो भी चलेगा। ये बहुत ही स्मूथ है और नॉन स्टिकी है। सबसे पहली बात है नॉन स्टिकी, मुझे ये काफ़ी पसंद है, मैं हमेशा इसे लेकर रख ही रहती हूँ। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और इसका जो इतना लाइट है कि जब आप हाथ में उठाएंगे तो वो आपको काफ़ी मीन्स कि बहुत ही स्मूथ लगेगा। एंड अगर आपको कुछ और लगाने का मन नहीं कर रहा है तो सिर्फ ये चेहरे में डॉट डॉट करके लगाना होता है, इसमें आप लगा लेंगे तो ये काफ़ी आपको अच्छा रिजल्ट देता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लगाने के बाद आपको स्वेट बहुत कम आते हैं, मतलब ना के बराबर आते हैं। तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। एंड मैं आपको बता दूँ तो फ्रेंड्स मैं इसे सामने से खोल के दिखाती हूँ ये किस तरह से है। एंड ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत है। एंड मैं एक फिंगर टिप में इसे निकाल के दिखाती हूँ आपको, मैं सामने से दिखा सकती हूँ इसे। ये काफ़ी स्मूथ है और सबसे बड़ी बात है कि ये स्टिकी बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इसे लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा सा एक सुंदर सा आपको बेस मिलेगा। और देखिए ये मैंने इस तरह से लगाया, मैंने आधे में ही लगाया है ताकि आप दोनों तरफ का जो है वो देख सकें। ये देखिए किस तरह से आपकी स्किन को ये हाईलाइट करता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। और सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल चिपचिपी नहीं है। जब आप इसे यूज करेंगे और अपने फेस पे लगाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ लगाया ही नहीं है, यानी कि बिल्कुल भी एकदम मीन्स कह सकते हैं कि ये बहुत ही लाइट म्यूस है। वैसे म्यूस तो लाइट होता ही है, बट ये कुछ ज़्यादा ही लाइट है, मुझे बहुत ही पसंद आता है। वैसे मार्केट में बहुत सारे म्यूस अवेलेबल है, बट मैं हमेशा से लोटस का इकोस्टे ही मैं यूज़ करती हूँ। एंड ये सबसे बड़ी बात है कि ये सुपर फिनिश माउस है एंड SPF 20 के साथ है। मैं नज़दीक ला के दिखा सकती हूँ इसे, ये बहुत ही खूबसूरत है। और इसकी पैकिंग देख सकते हैं आप, इतनी प्यारी सी डिब्बिया है। आपको इस डिब्बे के जो ये कवर है, आप इसमें अपना चेहरा भी देख सकते हैं। तो ये बहुत सारा
काम की चीज़ है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये, मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ इसे। वैसे मेरे मेकअप बॉक्स में हर तरह की चीज़ है, मैं हर तरह की चीज़ों को जो स्पेशली मेकअप के लिए जो आते हैं तो मैं उसे यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, जो सही लगता है मैं उसे हमेशा रखी रहती हूँ मैं, एंड यानी कि मैं अपने मेकअप बॉक्स का एक फैमिली बनाकर उसमें रख लिया करती हूँ उस प्रोडक्ट को। एनीवेज फ्रेंड, ये तो थी हमारे मेकअप बेस और म्यूस म्यूस के बारे में कुछ नॉलेज। अब तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है कि ये मिलती कितने में है। तो इसकी प्राइस बहुत अधिक नहीं है, आप किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर, जो कि अच्छी वाली कॉस्मेटिक स्टोर हो जहाँ पर लोटस की अलग से कॉर्नर बनी होती है, वहाँ लोटस की हर तरह की प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगी, उस जगह पर ये आपको 745 में इजिली मिल जाएगी। इसकी प्राइस बहुत अधिक नहीं है, यस फ्रेंड, ये 745 की आती है। एंड आप कहीं भी या फिर आप कॉस्मेटिक स्टोर से लें या फिर इसे ऑनलाइन ऑर्डर करें सो आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल है, आई होप कि आप लोग के लिए भी ये वीडियो यूज़फुल रही होंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर से मिलूंगी आपको मेरे चैनल पर, ऑफ कोर्स मेरे ही चैनल पे मिलूंगी एक नई सी ब्यूटी प्रो के साथ, यानी एक खूबसूरत सा प्रोडक्ट के साथ। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें ताकि मैं इस तरह की वीडियो और भी आगे बनाती रहूं। एंड सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नए हैं तो बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं तब सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।